नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। फिल्म लगातार बम्पर कमाई कर रही है, जिससे जिहादी और कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। इनकी बौखलाहट की वजह से विवेक अग्निहोत्री की जान को खतरा हो गया है और अब उनकी टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल जब से रिलीज हुई है, तब से ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना परचम लहरा रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। एक तरफ तो विवेक अग्निहोत्री और उनकी टीम इस फिल्म की कामयाबी का जश्न मना रही है, तो दूसरी ओर कुछ लोग इस फिल्म को लेकर अपनी आपत्ति भी दर्ज करा रहे हैं। इतना ही नहीं, द कश्मीर फाइल्स की कामयाबी के बाद विवेक अग्निहोत्री को अपनी जान का खतरा सताने लगा है। हाल ही में उनके ऑफिस में दो लोगों ने जबरन घुसकर मैनेजर के साथ धक्का मुक्की की। इसका खुलासा खुद विवेक अग्निहोत्री ने किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हाँ, धमकियां मिल रही हैं। हाल ही में हमारे ऑफिस में दो लड़कों ने घुसपैठ की। ये उस वक्त हुआ जब मैं और मेरी पत्नी ऑफिस में नहीं थे, सिर्फ एक मैनेजर थी जो काफी उम्रदराज है। उन लड़कों ने उन्हें दरवाजे की तरफ धक्का मारा, वे गिर पड़े। इसके बाद उन्होंने उनसे मेरे बारे में पूछा और फिर वे वहां से भाग गए। यानी कि जिहादी गैंग द कश्मीर फाइल से बौखलाई हुई है। इन लोगों को कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार और नरसंहार का सच हजम नहीं हो रहा, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ कश्मीरी पंडितों के सच को बयान नहीं कर रही, बल्कि जिहादियों का काला चेहरा भी बेनकाब कर रही है, जिसकी वजह से ये जिहादी गैंग बिलबिला रही है और कश्मीरी फाइल्स की टीम को निशाना बना रही है। इसे देखते हुए मोदी सरकार ने विवेक अग्निहोत्री को वाई प्लस सिक्योरिटी भी दी है। सिर्फ विवेक अग्निहोत्री ही नहीं, बल्कि कई राज्यों में फिल्म देखकर लौट रहे लोगों पर भी हमला किया जा रहा है। राजस्थान में भी हाल ही में दो गुटों में फिल्म को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसे देखते हुए गहलोत प्रशासन ने कोटा में धारा 144 लगा दी, जिसके बाद अशोक गहलोत की जमकर फजीहत हुई और उन्हें अपने फैसले में बदलाव करना पड़ा। ऐलान करना पड़ा कि लोग धारा 144 के बीच फिल्म देख सकते हैं। यानी कि कुछ जिहादी और कट्टरपंथी ही नहीं, कांग्रेस भी लगातार इस फिल्म को लेकर बौखलाई हुई है और लगातार फिल्म पर बैन की मांग कर रही है, जो मांग उनकी खारिज हो चुकी है। कश्मीर फाइल्स की कामयाबी जिहादी और कट्टरपंथियों को हजम नहीं हो रही है, जिसके बाद ये लोग विवेक अग्निहोत्री की जान के दुश्मन बन चुके हैं और उनके ऑफिस पर हमला कर दिया है। उनकी मैनेजर के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद विवेक अग्निहोत्री का मानना है कि द कश्मीर फाइल्स सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक आंदोलन है। अब वो द दिल्ली फाइल्स और बनाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। We'll be right back.